ये भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ, अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आप पहले अटेम्प्ट में भी पेपर क्रैक कर सकते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू आर टॉक शो माई सर्फ़ राजकुमारी शर्मा आज हमारे साथ है गोविंद सर जिनके पास एक्सपीरियंस है नाइन ईयर्स का यू में और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में ये वर्क कर चुके हैं एज़ अ फैकल्टी तो हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग यू कि मैम शेड्यूल कैसे बनाएं उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है यू में तो इसी की रिगार्डिंग जो भी बच्चों की जो डाउट्स होते हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बात करेंगे हेलो सर हेलो मैम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी तो सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं इंक्वायर करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैम मैं, मैं फर्स्ट टाइम में ही अटैम्प्ट करके क्या इसको क्रैक कर सकता हूँ यू को मैम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा सारे एक्सपेरेंट से कि यू की तैयारी एक मैराथन की तरह होती है बेसिकली मतलब ये हंड्रेड मीटर की स्प्रिंट नहीं है दैट इज नॉट अ वन डे पेपर हमें बारह सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो हम स्लोली गैदर करते हैं सब्जेक्ट को उसे डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्ट का मतलब मेरा ये होता है मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लासेज में रहता है कि आप आराम से सब्जेक्ट को डाइजेस्ट करते हुए पढ़ें क्योंकि डाइजेशन होगा तो ही उसका न्यूट्रिशन आपको मिल पाएगा सब्जेक्ट का इससे समय लग सकता है हाँ ये भी होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आ, अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आप पहले अटैम्प्ट में भी पेपर क्रैक कर सकते हैं तो सर जो मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं उनके पास सिलेबस होता है पहले वो कन्फ्यूज होते हैं अपने सिलेबस को लेकर कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे करें उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे मैम जहाँ तक मेरा परस्पेक्टिव रहता है अगर यू की बात करें तो ट्वेंटी के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है फिर भी अगर इस सब्जेक्ट्स को हमें स्टार्ट करना तो सबसे अच्छा रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास के साथ स्टार्ट करें क्योंकि जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा सेगमेंट है ये लगभग सारे सेगमेंट से जुड़ता है इवन साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी से अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो आपको वर्ड में पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट समझ में नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स के और चूंकि स्टार्ट होता है वो रैनसा से प्रबोधन काल से तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी वहीं से समझ में आएगी कि टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ आज टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कैसे हो पाए तो वर्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करें अच्छा सब्जेक्ट है इंटरेस्ट बना रहता है ठीक है सर आपने वर्ड हिस्ट्री का बता दिया अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कितना ड्यूरेशन चाहिए कितना टाइम चाहिए कि वो बच्चा कंप्लीट कर सके उस सब्जेक्ट को मैम अगर हिस्ट्री की बात करें ऑन द लेवल ऑफ जीएस जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट ऑप्शनल भी होता है क्योंकि तो उसमें एक समय आपको अलग लगेगा लेकिन यहाँ पर अगर हम समय की बात करें हिंदी माध्यम में चूंकि मैं ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ बच्चों के साथ तो हिंदी माध्यम में हिस्ट्री पढ़ने के लिए वन डेज इनफ है लगभग फोर मंथ्स आपको लगेंगे चार सेक्शन है बड़े सेक्शन है विश्व इतिहास है आधुनिक भारत का इतिहास इतिहास है कला और संस्कृति का एक फिर और प्राचीन और मध्यकालीन भारत और थोड़ी बहुत मैपिंग आपको पता होनी चाहिए जिससे आप जैसे सिंधु सभ्यता के स्थल हैं या हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप आसानी से 120 डेज में सिलेबस को कवर कर सकते हैं सिलेबस वास्ट जरूर है लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा सर जैसे पास मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं कई बच्चे होते होते, है। होते है हैं हैं जो स्टूडेंट यूपीएससी सोच पहले अपना लक्ष्य रखना जरूरी है और कितना सीरियसनेस होना चाहिए यूपीएससी को लेकर देखिए मैम यूपीएससी सी की जो परीक्षा है उसमें लगातार हो रहे हैं बदलाव जैसा कि अभी हमने रिजल्ट में देखा ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स सिलेक्ट हो रहे हैं यानी ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं मोस्टली आई एंड आई से आते हैं okay. ऐसे में जो कला संकाय के बच्चे उनके दिमाग में एक ये भ्रम की स्थिति रहती है कि क्या हम इस परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए मैम किसी भी परीक्षा में जो लक्ष्य होना चाहिए एक अध्यापक के तौर पर मैं यही कहूँगा कि लक्ष्य की प्रतिपूर्ति पढ़ना होता है पेपर निकालना हमारा एक लक्ष्य है लेकिन उसके लिए पढ़ाई जरूरी है सारा ध्यान फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और विषय पर होना चाहिए अगर हमारा ध्यान विषय पर है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी और यूपीएससी जैसा जो एग्जाम है वो इस तरीके से उसका सिलेबस डिजाइन किया गया है कुछ भी नहीं छूटता मैम आपको सब कुछ पता होना चाहिए लेकिन इन अ जनरल फॉर्मेट दैट्स वाई वी कॉल दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन नॉट अ विशिष्ट अध्ययन आपको विशिष्टता नहीं चाहिए

तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम कि एक मूवी को देखकर हमें अपना इंटरेस्ट बदल देना चाहिए मैम मूवी को देखकर इंटरेस्ट तो नहीं बदलना चाहिए और भी चीजें हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी सीएससी की तैयारी किसी के लिए भी एक बड़ा सपना हो सकता है भारत में अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो सपना होता है कि हम देश की सेवा करें और देश की सेवा के लिए एक रास्ता हम लेते हैं कि हम नीति नियंत्रता तो नहीं लेकिन नीति को लागू करने वाले जरूर बन पाएं इसे बच्चों का सपना है और वो जो सिलेबस है मैम ना मैं हमेशा अपने बच्चों से पढ़ाते हुए कहता हूं अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा सिलेबस पढ़ना है एक अच्छा कोर्स कैरिकुलम पढ़ना है तो यूपीएससी की तैयारी तो सभी को कर लेनी चाहिए और अगर तैयारी नहीं करनी है ना तो कम से कम उस कोर्स कैरिकुलम से गुजर जाना चाहिए आपको काफी चीजों की जानकारी हो जाएगी अगर आप भारत की बात करें मैम तो यहाँ ग्रेजुएट स्तर पर क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करें उसी की नॉलेज आपको होती है अगर आप किसी साइंस वाले व्यक्ति से पूछो कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो उसको नहीं पता होता ये चीज़ इस सब इस सिलेबस में कोर्स की सबसे खूबसूरती ये है जिसने भी इसको डिज़ाइन किया कि सारे विषयों की बेसिक जानकारी यानी आप संपूर्ण रूप से भारत के नागरिक बन पाते हैं जुड़ पाते हैं भारत से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए तैयारी के बेस पे अगर बच्चों का सपना है तो उन्हें बिल्कुल सपना पूरा करना चाहिए ठीक मंजिल मिली या नहीं मिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है सफर खूबसूरत होना चाहिए मेरा मानना यही जी सर सर जैसे कि हम देखते हैं करंट अफेयर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है UPSC में तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें बच्चा मैम करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन के लिए जैसे हमारे यहाँ हमारे संस्थान में तो मंथली मैगजीन का प्रोविजन है हम लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को लेकर अपनी करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन जो प्लूटस आई की आती है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है उसमें बच्चों को सिलेक्टेड टॉपिक देते हैं क्वालिटी हम कोशिश करते हैं अपनी टीम के साथ एज एन फैकल्टी की हम बेहतर से बेहतर कर पाए क्योंकि करंट अफेयर्स का जो और वो बहुत वास्ट है बहुत विशाल है अब उस विशालता को कवर अप करना टीम के लिए भी मुश्किल होता है कभी कभी लेकिन फिर भी चूंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं तो वहीं पर फोकस करते हैं जो प्रश्न आ सकते हैं करंट अफेयर्स बहुत सिलेक्टेड होते हैं और करंट अफेयर्स को मैम तभी पढ़ना चाहिए जब विषय की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब आपका सिलेबस पूरा हो क्योंकि मान लीजिए कोई इकोनॉमी का करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं स आपने अर्थव्यवस्था सही से नहीं पढ़ी इंडियन इकोनॉमी सही से नहीं पढ़ी तो आप उस करंट अफेयर्स के टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे ओके सर वन क्वेश्चन और मतलब कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर uh, हमें बताए जाते हैं कि द हिंदू हो गया ठीक है जो हमें रिकमेंड किए जाते हैं तो ये सही तरीका क्या एक न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स हम कर सकते हैं उसको अच्छे से मैम न्यूज न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एक प्रश्न हो सकता है मैंने अभी आपको बताया एक्सपर्टीज की बात है तो न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर्स को ड्रेन करके उसकी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करके ही करंट अफेयर्स मैगजीन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो रखते हैं अनलेस वो रिसर्च कर रहे होते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं हमारा मेन फोकस है ना टॉपिक्स क्या है मैंने अभी कहा टर्मिनोलॉजी अगर आपका अनलेस आपने कोर्स कैरिकुलम पूरा नहीं किया आप कोर्स कैरिकुलम से नहीं गुजरे आप चाहते हैं बिना एक्सपर्टीज के हम क्रैक कर जाएं तो फिर जो फंडामेंटल क्लैरिटी है वो सब्जेक्ट की आपके पास होगी नहीं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए सरकार ने कोई नया विधेयक या अधिनियम पारित किया ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिसे जिन्हें अभी विधेयक और अधिनियम में अंतर नहीं पता तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ भी रहे हैं और आपको बेसिक टेक्नोलॉजी में अंतर नहीं पता तो आप समझ नहीं इसके लिए आपको संस्थान और फैकल्टी की जरूरत होती है तो मैं यही कहूंगा आप न्यूजपेपर पढ़ना चाहते हैं पढ़ें बट किसी की तो हेल्प आपको लेनी पड़ेगी

तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम एज़ फार एज माई कंसर्न जब से मैं संस्थान से जुड़ा हूँ जो हमारे बैचेज हैं मैं एक ही चीज़ कहता हूँ पेपर में आना ज़रूरी है सब्जेक्ट्स का आना ज़रूरी है बट ये एक स्किल सेट भी है राइटिंग इज़ एन स्किल आप बहुत ज़्यादा देखेंगे तो नॉलेज जरूरी है मैम बट चूंकि मैंने कहा राइटिंग स्किल है तो आप देखेंगे किसी को बहुत नॉलेज है बट वो लिख नहीं पा रहा है क्योंकि तो उसे ये नहीं पता क्या लिखना है और क्या छोड़ना है हमारा फोकस ये रहता है कि हम बच्चे को प्रैक्टिस कराएं लगातार प्रैक्टिस कराएं मान लीजिए हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं हर दिन तीन से चार आंसर पाँच आंसर दूसरा हार्ड फैक्ट राइटिंग स्किल का क्या है यूपीएससी में ये एक टाइम टेस्ट भी है ये स्पीड टेस्ट भी है आपको ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं जहाँ पर आपको लगभग चार वर्ड लिखने हैं और तीन घंटे में आपको सात से आठ मिनट हार्डली मिलता है एक आंसर को सोचने उसको फ्रेम करने और उसको लिखने के लिए सात से आठ मिनट में ढाई सौ वर्ड का एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना स्किल है ये स्किल आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है कि आप पॉइंट्स कैसे पिक करेंगे कौन से आंसर में क्योंकि एक एस्पिरेंट के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स चल रहे होते हैं फिर वो कोशिश करते हैं लाओ मैं सब कुछ लिख दूं और सब कुछ लिखने में वर्ड लिमिट ओवर होती है वर्ड लिमिट ओवर हुई मार्क्स कटेंगे इसलिए तय वर्ड लिमिट में लिखना इट्स एन प्रैक्टिस कहते हैं मैम हिंदी में एक कहावत है रसरी आवत जाते सिल पर सिल पर पड़त निशान और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान अगर ये करेंगे तो इजी लिख पाएंगे उस चीज़ को जी सर सर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक सब्जेक्ट की थी, ठीक है अब बहुत सारे बच्चे हैं मेनली वो फोकस करते हैं हिस्ट्री पर पॉलिटी पर ज्योग्राफी पर तो मेनली उनका साइंस एंड टेक में इतना इंटरेस्ट नहीं होता वो बहुत ईजी लेते हैं बट जब से हमने यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब साइंस टेक से भी आते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम 2014 के जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया 2014 के बाद से पेपर पैटर्न में बहुत तेज बदलाव यूपीएससी ने किया मैंने अभी आपको फैक्ट्स के बेसिस पे भी बताया कि आईआईटीज एनआईटीज के इंजीनियर या टेक्नोक्रेट्स ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर इकोलॉजी इन्वायरमेंट इनका वेटेज प्रिलिम्स में बढ़ा दिया गया दूसरा हर्टल सीसेट भी है लेकिन साइंस एंड टेक में जो मोस्टली जर्नल साइंस का पार्ट था वो भी धीरे धीरे अब हटाया जा रहा है उसकी जगह कोर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन और सबसे ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी ये तीनों आप देखेंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा रिसर्च के एरियाज हैं और बहुत तेजी से चेंज इनमें हो रहा है आप ए को देख ले मैम डेली नए फंडामेंटल्स ए में आ रहे हैं ऐसे में अगर हम वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम यूपीएससी के साथ भी नहीं चल रहे हैं यूपीएससी बहुत ही प्रोग्रेसिव एक संस्था है भारत की जिसके ऊपर देश के ब्यूरोक्रेट्स को देने का दबाव रहता है प्रेशर रहता है उनपे तो पेपर में बदलाव इसलिए भी है मैम और साइंस टेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों बढ़ रहे हैं वी आर इन ट्वेंटी सेंचुरी हम बोलते हैं सेंचुरी साइंस की है तो बट ऑबियस है यूपीएससी सी एस भी मैम साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछेगा धीरे धीरे क्योंकि सेंचुरी ही साइंस की है धीरे धीरे आपने देखा लोग कह भी रहे हैं ए आई जॉब्स में आ रहा है मानव का क्या होगा तो दी दादा कंसर्न तो क्वेश्चन बन सकता है मैम बिल्कुल बन सकता है कि ए के उद्भव से आने वाले समय में मानवों की नौकरी पर क्या प्रभाव है या अर्थव्यवस्था को यह कैसे प्रभावित करता है दैट इज पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जैक्टली कि दो सब्जेक्ट्स को जोड़कर आपके दिमाग के साथ खेला जाए आपको कितना आता है डेप्थ क्या है नॉलेज की

तो इसके लिए किसी टेस्ट या किसी राइटिंग या स्किल की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब या तो व्यक्ति मास्टर्स करने जाएगा या वो यूपीएससी या डिफरेंट प्रिपरेशन में आता है इंपॉर्टेंट ये वो इंस्टीट्यूट से अगर जुड़ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की कराई जाए अगर आप हमारी बात करते हो एज एज़ फार एज़ अवर कंसर्न हमारे इंस्टीट्यूट में हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन उसको ना रटवाएं मैम रटने का अब सिस्टम या तंत्र ख़त्म हो गया यूपीएससी से तो कोशिश किसी भी बच्चे को तैयारी करना है वह स्वतंत्र है वह आ सकता है अब हमें उसको कैसे शेप करना है उसकी स्किल्स को कैसे बनाना है ताकि वो यूपीएससी के पेपर को समझ पाए समझ तो एक टीचर डेवलप करता है मैम बचपन में किसी को क्या पता होता है कि का कबूतर है यह तो उसको शिक्षक बताता है तो शिक्षक की जिम्मेदारी आज भी यह है कि वह यूपीएससी के बदलते पैटर्न को बच्चे को समझाए कि दीज आर द चेंजेस आपको ऐसे चलना है क्योंकि नदी के बहाव के विपरीत नाव चलाना मुश्किल है मैम तो, टीचर, टीचर तो नो डाउट कोई भी तैयारी करने आ सकता इस है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैम सर जैसे कि हम यूपीएससी के देखते हैं स्टूडेंट ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं ठीक है तो ऐसे भी बच्चे स्टूडेंट आते हैं जिनमें फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं कि मैम हम फीस नहीं दे सकते बट हम यू करना चाहते हैं बट मेरा मेनली क्वेश्चन ये अगर आपने यू का एम रखा है तो उसमें फाइनेंशियल इशूज जो भी आते हैं तो उसके साथ कैसे डील करें मैम मैं बहुत पहले मुखर्जी नगर में आया था हिंदी माध्यम का ये गढ़ माना जाता है फाइनेंशियल इश्यूज मेरे साथ भी रहे शुरुआती तैयारी के दौर में तो चूंकि मैं ग्रेजुएट था टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ मेरा बीटेक है बायोटेक्नोलॉजी एसबीटीआई वेस्ट कैंपस है कानपुर में एक ओन संस्था मतलब अकेला कॉलेज है वो यूपी का सरकारी तो अगर मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं तैयारी करना चाहता था तो ये मेरा अपना विचार था अब एक बात पर आपको यकीन नहीं होगा लोग ग्रेजुएश स्नातक स्तर के बाद तैयारी करने आते हैं मैंने तीन साल फूड सेक्टर में मैम एज एन क्वालिटी रिव्यूर मतलब एज एन क्वालिटी इंजीनियर और सीनियर क्वालिटी इंजीनियर काम किया है मैं जॉब छोड़ कर आया था मेरे लिए तो और टफ होना चाहिए था फिर भी मैंने जॉब छोड़ी मेरे लिए टफ था मैंने टीचिंग की साइंस में और तैयारी जारी रखी तो मैम ये पर्सनल अपने व्यक्तित्व के ऊपर होता है अगर हमें किसी तैयारी को करना ट्वेल्थ फिल्म मूवी की हम बात कर रहे हैं जिनकी भी हम बात कर रहे हैं सर की उन्होंने भी कैसे तैयारी की दुनिया को पता है तो तैयारी के समय कठिनाइयाँ आएंगी मैम एक सिंपल सी बात है जो अच्छा ड्राइवर होता है वो पहाड़ों में पाया जाता है उसका रीज़न ये है कि पहाड़ों पर सड़क बहुत घुमावदार होती है प्लेन के जो ड्राइवर हैं मैदानी क्षेत्रों के इनको अच्छा ड्राइवर नहीं कहते हैं है। तो तैयारी है अच्छा है, में ये भी है, हो सकता है, असफल हो जाए लेकिन असफलता या सफलता के मानक व्यक्ति कंपेरिजन में तय कर रहा होता प्रॉब्लम यहां पर आती है अगर मोस्टली देखें तो यूपीएससी का एस्पिरेंट किसी भी दूसरे उस इंसान से थोड़ा सफल होता है ज्ञान के मामले में जिसको अपने देश के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है तो फिर तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन के रह गया ना मैम उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा ना लेकिन एस्पिरेंट जो यूपीएससी का होता है बिल्कुल मैम उसकी वैल्यूएशन है क्योंकि उसको हर चीज पता है कि हमारी कंट्री का सिस्टम एग्जैक्टली रन कैसे करता है दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रिपरेशन एम तो मिलता ही है मैम एक समय के बाद पेशेंस और परजिवियरेंस ये इस तैयारी की दो मुख्य चीजें हैं जिसमें होंगी उसको लक्ष्य मिलेगा सर एक क्वेश्चन है मेरा जैसे कि हमारे पास अभी थर्टीन लैख स्टूडेंट ने लास्ट ईयर अटेम किया था यूपीएससी ठीक है तो उनमें से वन थाउजेंड समथिंग जो है सीट्स होती हैं और वही निकलते हैं मेंस में थर्टीन थाउजेंड कुछ ऐसे निकले थे थर्टीन लैक ,00 नहीं दिया था बट थर्टीन स्टूडेंट है जिन्होंने मेन्स लिखा था समथिंग तो सर अगर जिनका यू नहीं हो पाता है तो उनके आगे वो क्या करेंगे तो कौन सा कोर्स उनके लिए अच्छा होगा यू के इंस्टीट्यूट ऑफ यू मैम इसमें मैं यही कहूँगा अवेयरनेस की कमी है जो लोग इंटरव्यू से भी बाहर होते हैं या इंटरव्यू में किसी वजह से नहीं हुआ उनके लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो वैकेंसीज निकालते हैं सरकार का ये अपना एक रूल है ऐसे इंटरव्यू दिया हुआ कैंडिडेट कहीं से भी यूपीएससी सीएससी में वो बिना नौकरी के नहीं रहता मैम इजीली उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नौकरी देने की व्यवस्था है क्योंकि जब इतना लंबा सफर उसने तय किया है इतने कठिन पेपर को दुनिया का से सबसे सेकेंड सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है तो बटोविया से सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है दूसरा अगर आप उसमें नहीं जा पाते तो हमारे यहाँ ट्राई नहीं करते लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मैम बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आज हिंदुस्तान में है भारत में हैं। जो यूपीएससी इंटरव्यू सी एस जो कैंडिडेट है उसने जो इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है या इंटरव्यू से बाहर हो गया हो उसको जॉब देने के लिए तैयार हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने एक इतना बड़ा पेपर मैनेजमेंट दैट इज अ पेपर ऑफ मैनेजमेंट आपको मैनेज ही करना है जाके रिसोर्सेस को तो इतना पढ़ने के बाद जॉब क्रिएशन खुद में भी होता है तो कोई ये कहना कि मैम जॉब्स नहीं मिल रहे उनको या वो बेकार हो जाते हैं ये ठीक नहीं है कई एस्पिरेंट क्या होते हैं मैम फेल होते हैं ग्रेजुएट ग्रेजुएट होते हैं डिफरेंट अच्छी यूनिवर्सिटी से जे से डी डेली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लेते हैं नेट निकाल लेते हैं जे कर लेते हैं और प्रोफेसर बन जाते हैं और उसके बाद भी उनकी प्रिपरेशन चलती रहती है एंड लास्टली दे क्रैक दैट पर्टिकुलर पेपर विद डिग्री ऑफ पी तो लगे रहिए साथ में सारी चीजें चलती हैं और मैम लाइफ का मजा तभी है जब yes, कुछ किया जाए लाइफ में नहीं तो फिर तो लाइफ में बेकार सी हो जाती है कि थैंक्स सर आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया आज हमें काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके भी आज डाउट क्लियर हो गए होंगे इस सेशन को देखकर कर अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू